गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास यहाँ पे Redmi 12 5G आया है। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं गाइस कि 5G फ़ोन दिखाएं। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे है 12 5G Redmi का फ़ोन है और मैं आज इसको अनबॉक्स करूंगा और आपको दिखाऊंगा। अगर आप 5G का स्मार्टफोन लेना चाहते हो, बढ़िया सा फ़ोन लेना चाहते हो, तो इसके अंदर हमें 6GB और 128GB यानी कि 12GB रैम के साथ में और 128GB इंटरनल मेमोरी कार्ड के साथ में फ़ोन है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है जिसको मैं अनबॉक्स करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या कुछ हमें अच्छा मिलता है, क्या फ़ोन ये हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये देखेंगे कितना अच्छा फ़ोन है। अगर आप नया Redmi का फ़ोन लेना चाहते हैं Redmi 12 5G तो ये वीडियो आप पूरी देखना क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है या फिर नहीं है। तो गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं, पहले आपको फीचर्स फंक्शन बताते हैं और इसका मैं सारा डिटेल से आपको बताऊंगा कि इसके अंदर के आपको ऑफर के साथ में जिससे हमें क्या कुछ हमें मिल जाता है और कौन सी सिम डालनी है और इसके अंदर 2 5G का जो सिस्टम है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे जियो का जो अनलिमिटेड प्लान है वो भी इसमें अंदर हमें मिल जाता है। तो चलिए इसको एक बार हम फ़ोन को दिखाते हैं। यहाँ पे फ़ोन बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, ये फ़ोन पूरा ओपन है जो आप इस तरीके से देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, सबसे पहले मैं आपको फ़ोन दिखाऊँगा। फ़ोन देख सकते हैं ये जेड ब्लैक में निकलता है और फ़ोन में आपको जो ये कैमरा दिखाई दे रहा है ये आपको कैमरा मिलता है 50 MP का, यानी कि 50 MP का ये कैमरा है और काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ देख सकते हैं जो ये डिस्प्ले साइज है ये गोरला ग्लास मिलती है। गोरला ग्लास में क्या होता है ये जल्दी से टूटने वाली नहीं है, चाहे जितना मर्जी आप यहाँ पर पटक सकते हैं गाइस, ठीक है। स्लिम वाइज की बात करूँ तो काफ़ी स्लिम मोबाइल है ये, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको यहाँ टाइप सी चार्जर मिल जाता है और ऊपर के साइड में यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है और ये काफ़ी ज़बरदस्त मेरे को फ़ोन लगा। तो अभी इसको एक बार यहाँ से चालू करते हैं और आपको जल्दी से दिखाते हैं। इसका मैं आपको बैक से दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा, इसलिए मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। ये फ़ोन चालू रहा, चालू होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो गाइस मैंने ये फ़ोन चालू पे लगा दिया तो ये चालू हो चुका है फ़ोन कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये वाला जो फ़ोन है आपको यहाँ पे चालू हो चुका है, इसके मैं आपको सारा दिखाऊंगा, जैसे कि इसका कैमरा हमें क्या मिलता है और इसमें हमें क्या कुछ फंक्शन मिलते हैं ये सारे आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ से फ्रंट और बैक से आप पहले एक बार फ़ोन देख लीजिए, गोरला ग्लास के साथ में आया हुआ है और काफ़ी गजब का फ़ोन ये लगता है। तो इसमें टाइप सी चार्जर भी आपको मिल जाता है, टाइप सी चार्जर अगर मिलता है तो ये इसमें आपको वॉइस बोर्ड का इसमें चार्जर मिल जाता है। तो चलिए एक बार यहाँ से दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक तो बुकलेट मिल जाती है, एक साल की वारंटी कार्ड वाला है जो यहाँ पे MI ने दिया हुआ है। और इसको साइड करते हैं तो एक आपको यहाँ पे वो मिल जाता है, एक तो यहाँ पे चाबी मिल जाती है, दूसरा यहाँ पे एक यहाँ ट्रांसपेरेंट यहाँ पे कवर और मिल जाता है गाइस, देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट कवर है जो यहाँ पे साइड में रख देते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त कवर यहाँ पे मिल जाता है, पैकिंग में ये कवर है। तो इसको एक बार यहाँ से हटा के आपको दिखा देते हैं, हम देख सकते हैं ये वाला हमें ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये फ़ोन का लुक अगर मैं बात करूँ तो iPhone जैसा नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। एक तो यहाँ पर चार्जर मिल जाता है, 22.5 वोल्ट का इसमें आपको चार्जर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त चार्जर है, फास्ट चार्जिंग यहाँ पर शो होगा गाइस, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग के साथ साथ में आपको यहाँ पे जो टाइप सी चार्जर यहाँ पे केबल मिल जाती है टाइप सी, तो ये भी ज़बरदस्त है। तो इसमें अंदर अब यही सामान हमें मिला हुआ गाइस, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा इसके आपको फीचर्स फंक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Redmi 12 5G है और यहाँ पे 12GB रैम है, 128GB तक का इंटरनल इसमें मेमोरी कार्ड मिल जाता है। अगर मैं बात करूँगा इसके फीचर्स की तो आपको मैं सबसे पहले आपको यहाँ से कैमरा दिखाऊँगा जो इसमें 50 MP का हमें कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये फ़ोन यहाँ पर चालू हो चुका है, एंड्रॉयड वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड वर्जन भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर स्नैपड्रैगन यहाँ पर जो मिलता है और यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 6.79 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है जो यहाँ पे आप कोई भी गेम वगैरह अगर चलाना चाहते हो, PUBG वगैरह चलाना चाहते हो तो आप वो सब बिल्कुल इजीली चलाएंगे और हैंगिंग की प्रॉब्लम भी आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है क्योंकि इसके अंदर वो सारे मेंशन किया हुआ है और वर्जन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको पहले कैमरा टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 MP का कैमरा। अगर ये फ़ोन आप लेते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए ये फ़ोन या नहीं लेना चाहिए। तो देख सकते हैं ये फ़ोन का जो कैमरा है इस तरीके से आपको मिल जाता है। इसमें ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी होगी, इसके बाद अभी मैंने इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ाई हुई गाइस, देख सकते हैं ये मैंने फ़ोटो लिया। अब फ़ोटो लेके मैं यहाँ पे ये लो जी ये मैंने फ़ोटो ले लिया। अब मैं इसको आपको एक बार यहाँ से फ़ोटो दिखाता हूँ, अभी आपको कैमरा पता चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं फ़ोटो है और कितना फटता है ये देखो, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे GB लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं GB बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे आ रहा है गाइस, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे फटने की प्रॉब्लम नहीं है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे फटने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया बैक वाला जो मैंने आपको यहाँ से दिखाया हुआ। अब मैं आपको यहाँ से फ्रंट दिखाने की कोशिश करूँ तो फ्रंट में आपको जो ये कैमरा मिल जाता है, पहले आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे फ्रंट में 8 MP का कैमरा मिलता है और साइड में आपको सेंसर मिल जाता है, फिंगर सेंसर है। अगर आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
फिंगर सेंसर के साथ साथ में आपको यहाँ से स्क्रीन लॉक लगाना है, फेस लॉक लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, फ्रंट में जो कैमरा है कुछ इस तरीके से मिलता है। इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसमें बहुत ही कम ब्राइटनेस के साथ में फ़ोन में चला रहा हूँ आपको जो दिखा रहा हूँ। और फ़ोन की जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस, ठीक है। तो अभी ये इसका जो मेरे को वो लगा तो काफ़ी अच्छा लगा। इसमें अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ, आप कोई भी इसमें चीज़ें चला सकते हो, यूट्यूब चलाना यूट्यूब चला लो, कोई भी और चीज़ चलानी वो भी चला सकते हो, तो फुल HD के साथ में गाइस, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करना। बाकी मैं आपको इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो फ़ोन में मेरे को जैसे बहुत सारे लोग गेम वगैरह खेलते हैं, तो PUBG वगैरह अगर खेलना चाहते हैं तो आप इजीली खेलें, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी गाइस, ठीक है। तो देख सकते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है, जो मैंने बताया आपको 16 GB, इसमें आपको जो यहाँ पे 12 GB लिखा हुआ है, 6 GB से 12 GB कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जेड ब्लैक कलर है मेरा वाला, और यहाँ पे 6 GB रैम मिलती है, 128 GB मेमोरी कार्ड है, लेकिन इसको बढ़ा के आप 12 GB तक कर सकते हैं। और यहाँ पे और बताते हैं आपको क्या क्या हमें मिल जाता है। देखो यहाँ पे वो सारी USB मिलता है, चार्जर मिलता है, Type-C केबल मिलता है, और 5000 mAh का इसमें बैटरी मिलता है। सारी चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है, आप अगर डब्बा बॉक्स उठाते हैं तो उसके अंदर सारा मेंशन किया हुआ था, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली गाइस, ठीक है। और फ़ोन भी काफ़ी सस्ता है, अगर ये फ़ोन आपको पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हो। मेरे तरफ से तो बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये जो कैमरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा आपको 50 MP का कैमरा विद फ्लैश लाइट के साथ में, और ये आईफोन की कॉपी में बिल्कुल सेम फ़ोन दिया हुआ है। तो ये फ़ोन मेरे को अच्छा लगा, फुल HD डिस्प्ले के साथ में गाइस, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें अगर मैं MRP की बात करूँ तो एक बार MRP यहाँ पे बॉक्स में दिखा देते हैं आपको। तो बॉक्स में जो MRP लिखी हुई है गाइस, ये देख लो, 17,999 रुपये है, और ये फ़ोन आता है 12,999 रुपये का। और अगर आपके पास कोई भी इसके साथ स्कीम वो है, अगर जैसे HDFC का या कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो उसके साथ में आपको 5% की छूट मिलेगी। और मैं आपको यहाँ से चाहे तो दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं अमेजोन पे जाना है आप, अमेजोन पे ऐसे इस तरीके से आपको बुक करना है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से इसे बुक कर सकते हैं। मैंने इसे देखो सिम नहीं लगाया हुआ, वाईफाई पे इसे कनेक्ट किया हुआ है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है Redmi 12 5G। तो Redmi मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, Redmi यहाँ पे लिख देते हैं Redmi 12 5G, और ये देखो आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके दो मॉडल आते हैं, यहाँ देख सकते हैं Redmi 12 5G 4 GB और 128 GB में, और जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है या दिखाया ये वाला 12,999, इसमें आपको 6 GB और 128 GB में ये कार्ड मिलता है, और काफ़ी ज़बरदस्त कार्ड है और जो ये फ़ोन है। तो इसमें यहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। फ़ोन का जो मैंने लुक दिखाया आपको, इसी तरीके से आप देख लेना, और जो भी आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट आप ज़रूर करना, और जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना गाइस, ठीक है। तो ये वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया, स्पीड काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है गाइस, ठीक है। थैंक यू।